जालिम की पकड़ तो जरूर होती है, इतना तो मालूम होगा। पहले मेरी पकड़ से तो बचो तुम। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। मुस्तफा भाई तेजी से उठते हैं तेरे ये कदम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि तू बेचैन है। मेरे ये तेजी से उठते हुए कदम मेरी बेचैनी की निशानी नहीं है, ये मेरे जज्बे की पहचान है। पिछले 20 साल से जिस आग में जल रहा है ना मुरीद, आज उस आग पे पानी की पहली बूंद गिरी है। मुबारक हो आपको। बहुत तवील सफर है, बहुत तवील, और इस सफर में सिर्फ एक रुकावट नजर आ रही है मुझे, वो नमक की जो तुम पिछले 27 बरस से खा रहे हो। नमक नमक में फर्क होता है मुस्तफा भाई। हाँ, वो नमक कांधों पे शर्म और एहसान का बोझ बन जाता है जो मोहब्बत और अकीदत से खिलाया गया हो, लेकिन वो नमक जिसकी कीमत मेरी मां की सांसें थी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं 27 साल में वो नमक मुरीद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मुश्किल रास्ता चुना तूने, क्यों? क्या मतलब? छोटी को ले आता, मोहब्बत करती है तेरे से, नहीं बड़ी को ले आया। हाँ, करती है वो मुझसे मोहब्बत, पर मैंने कभी उसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया और ना ही करता। हाँ, मोहब्बत की कदर की है मैंने। ये जो जिंदगी है ना मेरी मुस्तफा भाई, ताउम्र इसने बड़ी कंजूसी बरती है मुझसे, कभी कभी कहीं कहीं कतरा कतरा मोहब्बत दी है। और जब भी मुरीद को मोहब्बत मिली, मुरीद ने उसकी कदर की। मेरी एक बात याद रखना मुस्तफा भाई, ऐसी लाखों मोहब्बतें मेरी मां की सिसकियों पे कुर्बान, जो किया है ना पहले सोचा समझा है फिर किया है। असमा बेगम को इसलिए लाया हूं कि मेरा पहला हमला गहरा घाव देगा अमीन कुरैशी को। बैठ बैठ जा। तेरे सीने में भी उतनी ही आग है जितनी मेरे सीने में है, उन्हें भी उतना इंतकाम लेना जितना मैंने लेना है। बड़ी का घाव छोटी से गहरा है, कैसे? अगर छोटी बेगम साहबा को लेके आता तो अमीर कुरैशी ये सोच सकता था कि उसकी बेटी आजाद ख्याल है, हो सकता है कि ऐसा कदम उठा ले। पर बड़ी बेगम साहबा, असमा बीबी, मुस्तफा भाई, उसकी ताकत का गुरूर थी ये, वो सोच भी नहीं सकता था। जब गम शौक के साथ मिलता है ना मुस्तफा भाई, तो एक तीर के साथ दो दो काम होते हैं। गम दुखता भी है और चलता भी है।
चलता हूं, जरा नजर रखना। से है खेलना दुश्मनों के शहर को राख करके देखना, जो जुबां पे रख दिया वो नमक है इश्क का या नमक है जहर का। यही अपनी जंग रे, अपना रंग रे, मेरे नैना देखेंगे तेरा जलता अंग रे। ये कब कहा है कि मैं आपका गुलाम नहीं, नमक हलाल हूँ साहब नमक हराम नहीं। ये कब कहा है कि मैं आपका गुलाम नहीं, नमक हलाल हूँ साहब नमक हराम। सच कहते थे आप मुझे करीम देना कि मालिक के जूते में पैर नहीं डालते, और अपनी वफादारी की कीमत जो आपने चुकाई है ना, जो कीमत आपने चुकाई है ना, वो सिर्फ आपने नहीं चुकाई, मैंने भी चुकाई है और चुका रहा हूं आज तक। देखना अपने मां के कातिल का चेहरा सबके सामने लाऊंगा, पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा मैं, बस देखना। अम्मी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं जैसा लोग कह रहे हैं? आप जानती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ही खुद अपनी मर्जी से गई होती तो एटलीस्ट अपने मोबाइल तो साथ लेकर जाती। फाइल? और उनके कमरे की हालत देखी है आपने? लेकिन ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे? गॉड सेक अम्मी, लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है। मुरीद कहाँ है? ही वुड नो व्हाट टू डू। इस हकीकत को मान लो कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्कैंडल बना के जा चुकी है। ये सब इतना सादा नहीं है आपा। असल में मामला कुछ और है। तो फिर अपने दुश्मनों की फहरिस्त पर नजर डालो। अमीन कुरैशी की घर की तरफ कोई नजर उठा कर देखे, इतनी जरूरत नहीं है किसी में। हैरत है, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं गई, तो फिर इस बात से यही अंदाजा लगता है ना कि तुम किस कदर कमजोर हो चुके। हिम्मत से काम लो मेरे भाई,
वरना इस घर की ऊंची दीवारें रेत का घर साबित होंगी। इस तूफान का सामना करो। अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो उसका पीछा मत करना, मजीद रुसवाई का सबब बनेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि मामला कुछ और है तो फिर अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ को अपने नजरिए से मत देखो। बाकी तुम्हारी मर्जी। मुरीद, मुझे आप ही चाहिए। ये आप ही का मोबाइल मिला है, इसी से कुछ मदद मिल जाएगी। मुझे हैरत है कि अभी तक तुमने बाबा ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। क्योंकि कदम जमीन पर रखे और उठाए जाते हैं। साहब के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि औलाद की तरफ से मिली हुई जिल्लत ताकतवर से ताकतवर बाप की कमर तोड़ के रख देती है। मैंने देखा है साहब की आंखों में, वो शदीद तकलीफ में है। और तुम क्या कर रहे हो मुरीद? तुम जानते हो ना कि आप ही खुद अपनी मर्जी से नहीं गई। कौन है हमारा दुश्मन और क्यों कर रहा है वो ये सब? मुझे हर हाल में आप ही चाहिए मुरीद। रोइए मत प्लीज। मैं कुछ करता हूं। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस तरह की खबरें अगर मीडिया पे आ जाएं तो वो किस तरह अज़ियत देते हैं, उछालते हैं। कोई भूलना भी चाहे तो वो भूलने नहीं देते। लेकिन मुझे आपसे तवक्को है कि आप इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए मुझे और मेरी फैमिली को इस जिल्लत और रसवाई से बचा के रखेंगे। जी मिर्ज़ा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी हुई, और मेरे सिर्फ तसल्ली देने से आपकी परेशानी कम नहीं होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन में आपको 100% दे सकूँ। आप मुझे घर के मुलाजमीन और फैमिली मेंबर्स की तफसीलात मुहैया कर दें। मुरीद आपको ये सारी डिटेल फराम कर देगा। जी साहब। ये मुलाजिम है आपका? जी साहब, नौकर हूँ। अमीन साहब, मेरी इन्वेस्टिगेशन में शक के दायरे में सबसे पहले कुछ इसी तरह के लोग ही आते हैं। मैं समझ सकता हूँ एसपी साहब, मैंने भी कानून पढ़ रखा है, LLB हूँ मैं। आपको जब जहाँ जैसी इन्वेस्टिगेशन करनी हो मैं हाजिर हूँ। ये कौन है, बेटा है आपका? ये मेरा भांजा है और होने वाला दामाद भी। माफी चाहता हूँ साहब, ये बेगम साहब का मोबाइल है, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। मिर्ज़ा, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये बात मीडिया के कानों तक ना पहुंचे। अपने तौर पे फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता हूं। अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। मुझे आपसे यही उम्मीद है। जी साहब। सर, सर।
बुआ जी। बेगम साहिबा, एहमल ने कुछ खाया? नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ नहीं खा रही। ठीक है, आप खाना लेकर आइए, मैं समझाती हूँ उसे। जी अच्छा। सलाम साहब, कुछ पता चला? माजरे चाहता हूं साहब, अभी तक नहीं, लेकिन एक बात साफ है, दुश्मन आपके आसपास ही है कहीं। आसपास है तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा वक्त दरकार है, आ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज देखी तुमने? सलाम मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम। क्या लाते हैं वेली के? वही जो कुछ साल पहले सर्वेंट क्वार्टर के थे, सहमे हुए से दरों दीवार हैं, दरवाजों के सामने दीवारें खड़ी हो गई हैं, घुटन है सबको। और तेरे क्या लाते हैं? अभी तो सफर की खाक पड़ रही है। हाँ लेकिन एक बात है मुस्तफा भाई, मजा आ रहा है। मुझे पता है मोहब्बत और इंतकाम दो अलग अलग चीजें हैं। बल्कि नहीं, ये एक ही है। इंसान मोहब्बत में सबसे पहले खुद से इंतकाम लेता है। हमें बड़ी बेगम साहिबा को जल्द घर पहुंचाना होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। एक बात तो बता मुरीद, ये अमीन कुरैशी तड़प रहा है? नहीं तड़पने के लिए भी जिंदगी चाहिए होती है मुस्तफा भाई। एक बात तो बताओ मुझे, मेरी तरफ देखो, अगर पकड़े गए तो मेरा नाम लेने में कितना वक्त लोगे? तू डर रहा है? हाँ, जो डर होता है ना मुस्तफा भाई, बड़ी खूबसूरत चीज होती है, इंसान को जगा के रखता है। अच्छा तो जागता रहे फिर। किसी ने अस्मा को घर से जाते हुए नहीं देखा? जाने वाली को सब रास्ते मालूम थे, या फिर जो लेके गया है वो सब जानता था। अमीन मियां, एसपी से कहो कि सब मुलाजमों की इन्वेस्टिगेशन करें, सभी मुलाजमों की, ख्वाह वो कोई पुराना नमक हलाल हो या कोई नया जरूरतमंद। किसी ने भी उसको जाते हुए नहीं देखा। और आसिया, मुझे तो हैरत तुम पे हो रही है, माँ तो बेटी के उठते कदम भांप लेती है, उसके उठने बैठने के अंदाज को भांप लेती है कि वो क्या सोच रही है। और जो माँ ये नहीं भांप सकती, फिर वो माँ नहीं होती, सिर्फ एक औरत होती है, और ये वो औरत होती है जो नस्लों को तबाह कर देती है। अम्मी, अम्मी आप क्या कह रही हैं? ये कोई हादसा भी तो हो सकता है। ठीक कह रहे हैं, हादसे बजाहिर अचानक होते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद बहुत पहले हम खुद रखते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती हूँ, मेरी बेटी पाक है, और जब तक सूरत हाल वाजह नहीं हो जाती, मैं उसके किरदार पे कुछ नहीं कर सकती। अरे यार, फिर आउट हो गया, इसको 6/36 पढ़ने थे यार। क्या कर रहे हो यार, एसपी साहब बैठे हैं अंदर। सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, लेकिन ये भी नहीं है कि हम यहाँ मैच खेल रहे, इतना शोर भी नहीं है सर। ओए होए, देखा
जाहिर है ऐसी सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपकी बेचैनी को समझ सकती हूँ अमीन साहब, मुझे इस वक्त आपके पास होना चाहिए, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। खैर आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जीएसपी साहब, सर आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगवाकार आपकी बेटी को थाने के सामने छोड़कर चले गए। क्या असमा मिल गई है आपके सामने? मैं अभी आ रहा हूँ। मुरीद, असमा मिल गई है। जो लोग उसे अगवा करके गए थे वही लोग उसे पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ कर गए। तुम आओ मेरे साथ। सीसीटीवी फुटेज मिल गई है साहब। क्या वो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं? साहब मैं क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। साहब आप खुद देख लीजिए, फुटेज कुछ और कह रही है। दुश्मनों के शहर को राख करके देखना, जो जुबां पे रख दिया वो नमक है इश्क का या नमक है जहर का। मुबारक हो अम्मा।
मुबारक हो। अमीन कुरैशी की आंखों से पहला आंसू गिर गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगवाकारों का मकसद क्या था? ना उन्होंने कोई तावान मांगा, ना कोई निशान छोड़ा, कुछ बात भी पता नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से ये केस और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट। अब इस केस को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है एसपी साहब, इसे यहीं खत्म कर दें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुबारक मुबारक मुबारक, तीर सीधा निशाने पे लगा है मुस्तफा भाई। हाँ, एक जरूरी बात, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सबको कहो कि रूपोश हो जाए, खास करके वो औरतें जो बड़ी बेगम साहिबा को लेकर गई थी। खैर मुबारक। अब आगे ना हकीकत सामने, खड़ा कर दिया ना हमारे खानदान के नाम पे स्कैंडल, बना दी ना कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी का सोसाइटी में हम क्या जवाब देंगे? इस स्कैंडल की वजह से अमीन के बिजनेस पे क्या इफेक्ट हो सकता है ये जानती हो तुम। कितनी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और इस स्कैंडल की वजह से सब कुछ वापस भी हो सकता है। ये सब कुछ जानते हुए, इसके बावजूद तुम्हारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो गया और तुम बेखबर रही। चुप है मुझे तुम पे। साहब जी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो आपकी मेहरबानी होगी। ये नौकर हैं, ये फकीर पाल रखे हैं, अभी के अभी फारिग करो। साहब जी, अच्छा क्या क्या हुआ बेटे? बेटे सीढ़ियों से गिरी है, काफी जख्मी है, उसे हॉस्पिटल लेके जाने में पास पैसे नहीं है। ये पैसे रखो, अल्लाह आपको कुछ रखे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और इनके मुंह मत लगा करो, और पैसों की जरूरत हुई तो मुझे फोन करना। मगर साहब मेरी नौकरी। कुछ नहीं होता नौकरी को, दो चार दिन जाके अपने बच्चे का ख्याल रखो, बड़े लोग हैं ये, अपना किया अक्सर भूल जाते हैं, बड़ा जोर लगाना पड़ता है याद दिलाने के। शुक्रिया। और पैसों की जरूरत हुई तो बता देना। क्यों किया आपने ऐसा? मन, मैं बार बार बता चुकी हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं याद। झूठ बोल रही हैं आप। कौन था वो जिसके साथ आप गई थी? तुम लोग सब मेरे किरदार पे शक कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर, आपने तो हम सबको हैरान कर दिया है। मैं यहाँ तैयार हो रही थी, दुल्हन बन रही थी, तैयार हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि मैं पुलिस के थाने कैसे पहुंची, फिर मैं यहाँ कैसे आई, हुआ क्या, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। आई कैंट बिलीव कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। तो मैं किस तरह बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट आप खुद यहाँ से नहीं गई? नहीं, मैं यहाँ से खुद नहीं गई।
मैं यहाँ तैयार हो रही थी, उसके बाद मैं थाने कैसे पहुंची, फिर सब कुछ हुआ, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कि सब कुछ हो क्या रहा है मेरे साथ। को रिमाइंड करना। कि मैं नहीं हूं, मैं तुम्हें बता रही हूं ना कि मैं तैयार हो रही थी, उसके बाद फिर उसके बाद की आगे की कोई बात मुझे याद ही नहीं आ रही कि किस तरीके से थाने पहुंची, फिर क्या हुआ, अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। पता रहे, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। क्यों भाई मुरीद भाई, कैसा महसूस कर रहे हो आज? अठारह साल पुराने बदले की शुरुआत है मुस्तफा भाई, सच कहूं मुतमईन हूं। बस ख्याल रहे कि कदम फूक फूक के रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है अपने पास। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? मेरा अमीन कुरैशी से डर का नहीं, नफरत का ताल्लुक है। अमीन कुरैशी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता मुस्तफा भाई, खुद मैं भी नहीं। मेरा एक एक कदम पूरे नाप तोल से उसकी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, उसी की बर्बादी देखने के लिए तो तड़प रहा हूं, शायद जिंदा भी इसीलिए हूं। हंसता पस्ता घर था ये मुरीद, अमीन कुरैशी ने 100 ज्यादा मकान बना दिया इसको। मेरा वादा है आपसे मुस्तफा भाई, खत्म हो जाएगा ये वक्त और अमीन कुरैशी भी। बदले की शुरुआत मुबारक हो।